एक फंक्शन को अगर सीखना है तो उस फंक्शन का बिहेवियर क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर ऑफ द फंक्शन, फंक्शन बिहेव कैसे करेगा, इसमें इनपुट डालेंगे तो कौन सा आउटपुट आएगा, नेचर क्या है फंक्शन का, इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, है ना। ओवरऑल समझ उसकी जो है वो होनी चाहिए। डोमेन, इनपुट्स, कौन कौन से इनपुट्स डाले जा सकते हैं, क्या आउटपुट देगा, रेंज, ग्राफ कैसा बनेगा, समझ में आई बात। तो अगर आपको ये चार बातें पता होती है ना, तो समझ लेना कि फंक्शन की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको है। उसके बाद फिर उस फंक्शन से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप जो है उन क्वेश्चंस को शानदार ढंग से अटेम्प्ट करेंगे।